अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज बनाते हैं अमृतसरी छोले भटूरे। यहाँ मैंने 6 से 7 घंटे छोले भिगो के रखे थे। इसे अच्छे से 3-4 पानी से धो लीजिए। इसके बाद इसे कुकर में ऐड करें। ये हमारे छोले हैं, उससे 1 इंच ज़्यादा पानी ऐड करें। यहाँ पे हम लेंगे एक मलमल का कपड़ा, 2 तेज़पत्ता रखेंगे, 3 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 काली मिर्ची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन को क्रश करके डालेंगे और 1 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच चाय पत्ती के, इन सब चीज़ों को डाल के इसे एक पोटली बना लेंगे और इसे कुकर में डाल दें। स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे 3 से 4 सीटी लें। दूसरी साइड हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम लेंगे बर्तन, 3 कप मैदा लेके इसे छान लेंगे। 1/2 कप रवा, बारीक रवा लीजिए, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 कप दही, इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। इसके बाद थोड़ी सी चीनी ऐड कीजिए, 1/2 कप चीनी ऐड कीजिए। थोड़ा थोड़ा करते करते पानी ऐड कीजिए, इसका एक अच्छी तरह से डो बना लीजिए। कम से कम इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना ज़रूरी है और इसे ऑयल लगाइए। जितना आप इस डो को गूंदेंगे आपका भटूरा उतना फूलेगा। कपड़े से ढक कर रखिए। यहाँ पे देखेंगे हमारे छोले गले हैं या नहीं। देखिए अच्छी तरह से गल गए हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे छोले अलग और छोले का पानी अलग करेंगे, इसे छान के अलग अलग कर लेंगे। जो छोले हैं हमारे उसमें हम छोले मसाला ऐड करेंगे। जब इसे हम मिक्स करके साइड में रखेंगे तो सारा फ्लेवर छोले एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे, इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल और 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे 2 चॉप्ड अनियंस, 2 चॉप्ड हरी मिर्ची, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच छोले मसाला, इन सबको डाल के अच्छी तरह से भून लें। इसमें 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। तीन से चार मिनट अच्छी तरह से भूनिए। इसमें छोले ऐड कीजिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, थोड़ी देर भूनिएगा इसमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोलों को थोड़ा सा मैश करेंगे मैशर की मदद से। इसके बाद जो हम लोगों ने छोले उबाल के जो पानी रखे थे छोले का, उसमें वो ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे, ढक के थोड़ी देर पकाएंगे इसे अच्छी तरह से। साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल छूटना शुरू हो गया है, इसे कोथमीर के साथ गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पे हम पेड़े बना के रखेंगे, अच्छे बड़े बड़े बनाइएगा, जितना हमारा पराठा रहता है उतने साइज के बनाइए और उसे तेल लगा के ढक के रखिए। 5 मिनट तो एटलीस्ट आप ढक के रखिएगा उसे। तेल लगा के बेलन की मदद से बेलिए। यहाँ पे हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से थोड़ा थोड़ा फ्लैट करें और एकदम पतला ना बेलें।
और थोड़ा बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लें। जब हम पेड़ा बना हमारे भटूरे अच्छे फूले फूले होंगे, यहाँ दूसरी तरफ हम ऑयल चढ़ाएंगे, इसमें भटूरा हमारा डालेंगे। देखिए कैसे फूला फूला हो रहा है। जब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो निकाल लीजिए इसे। छोले भटूरे हमारे यहाँ पे रेडी हैं। चलिए आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए रेसिपी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल पर।